हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग सब? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम कॉम्बो पैच की एडिटिंग और उसकी प्लेइंग देखने वाले हैं। दोनों चीज़ सीखेंगे कि अच्छा ऐसे प्ले करना है और कैसे उसकी एडिटिंग, कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करके हमने की हुई है। तो गाइस, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आप लोगों को मेरे आने वाले वीडियोज के जो अपडेट्स हैं वो मिलते रहे। और गाइस, पैच के मेरे हर वीडियो सुनने के लिए प्लीज़ हेडफोन का यूज़ करें ताकि आप लोगों को एक्चुअल में क्वालिटी जो है सुन पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बड़ा डाइवेस्ट के। पहले प्लेइंग देख लेते हैं, देन उसके बाद उसका एडिटिंग। कैसे प्ले करना है उसको उसकी एडिटिंग। तो इसकी प्लेइंग जो है हम दो भाग में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम रखने वाले हैं केवल छोटा सा पार्ट, बहुत ही सिंपल, थ्री हिट्स का ओनली, बहुत ही सिंपल है। एक बार स्लो से देखते हैं, अगर सेकंड पार्ट में हम रखते हैं तो उसकी बात करते हैं क्या रखते हैं सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, दोनों को अगर मर्ज करें, एक साथ मिक्स करें तो कैसे प्ले होगा? एक बार फिर से देखते हैं स्लो से। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, दोनों को एक साथ मर्ज करें तो कैसे टोन निकलेगा, कैसे उसका पैटर्न बनेगा? इसी को टेम्पो मैंने फास्ट करके प्ले किया हुआ था, जो थोड़ी देर पहले आपको प्ले करके सुनाया था, तो सेम बन जाता अगर इसी को फास्ट करते थे। चाहे तो फर्स्ट पे किक के साथ अपना क्लैप कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने क्लैप यूज किया हुआ है तो आप यूज कर सकते हैं। तो गाइज, आशा करता हूँ आप लोगों को एडिटिंग समझ में आई होगी, सॉरी प्लेइंग समझ में आई होगी। अभी चलते हैं एडिटिंग की तरफ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडिटिंग भी देख लेते हैं जल्दी से। गाइज, अभी कैमरा जो है डिस्प्ले पर आ चुका है और देख लेते हैं जल्दी से एडिटिंग। सबसे पहले एफएक्स की बात करते हैं। एफएक्स मैंने 29 नंबर का यूज़ किया है अबव, और अंदर की एडिटिंग देख लेते हैं मैंने कैसे कैसे एडिटिंग की हुई है एफएक्स में। अब गाइज, वीडियो को पॉज करके एडिटिंग देख लीजिएगा ताकि वीडियो का लेंथ लंबा कम हो और आप लोगों को एडिटिंग में समझ में आए। ठीक है, किस किस पैड को मैंने कितना एफेक्ट्स दिया है आप लोग देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। देन अभी इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, तो आप लोग यहाँ पे पैड आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पे आपको पैड दिख रहा होगा, ये फर्स्ट पैड है इसके। इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे देख सकते हैं। एडिटिंग मैंने इसमें कुछ खास एडिटिंग नहीं किया, केवल एच इसका 8 रखा हुआ है और वॉल्यूम 85। फर्स्ट सेकंड नंबर पे फर्स्ट टोम रखा हुआ है और थर्ड नंबर पे भी सेकंड टोम रखा हुआ है, तो इन दोनों की एडिटिंग देख लेते हैं। पूरी एडिटिंग कुछ नहीं किया उसमें, इसका वॉल्यूम 85 रखा हुआ है और थर्ड नंबर के पैड का भी वॉल्यूम 85 रखा हुआ है। ठीक है, अभी बात करें फोर्थ नंबर के पैड की, तो दोनों लेयर में मैंने सेम इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया हुआ है, अंदर की एडिटिंग सेम है दोनों की ट्यूनिंग, और अंदर का वॉल्यूम का दोनों का सेम है। फिफ्थ नंबर की अगर बात करें तो सेम इंस्ट्रूमेंट दोनों में, अंदर की एडिटिंग। देन इसके बाद सिक्स नंबर की अगर बात करें तो इंस्ट्रूमेंट एडिटिंग। उसके बाद सेवन्थ पे इंस्ट्रूमेंट, इसमें मैंने लेयर पॉइंट जो इसका 117 रखा हुआ है
और इसकी एडिटिंग एट नंबर की अगर बात करें तो इंस्ट्रूमेंट देन उसकी एडिटिंग। तो गाइज आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो की एडिटिंग जो है समझ में आई होगी, और आप लोगों को वीडियो का कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और मेरे चैनल अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को मेरे वीडियोज़ के जो अपडेट्स हैं वो मिलते रहे। तो गाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।